हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिजाइन पुर में। आज बैक ब्लाउज डिजाइन बताएंगे, तो देख लीजिए मैंने ब्लाउज की जो लंबाई रखी है 13.5 इंच रखी, इसकी चौड़ाई 10 इंच है। शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच रखे, आर्म होल की भी 5.5 इंच है। गले की चौड़ाई में 2.5 इंच रख रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग 2.5-3 पे मार्किंग ले सकते जितना आपको चौड़ा गला पहनना है। और नीचे की साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे, तो यहाँ से मार्किंग कर लेंगे। दोनों मार्क को मिलाते हुए यहाँ से बराबर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गले की लेंथ लेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग लेंथ लीजिए, जितना आपको डीप नेक चाहिए। तो मैं 10 इंच रख रही हूँ, 10 इंच के बराबर मार्क करके बिल्कुल बराबर में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। कॉर्नर से 1 इंच का मार्किंग करेंगे और राउंड नेक की मार्क कर लेंगे। कि मैंने राउंड नेक की मार्किंग जैसे की, सेम इसी जगह से कटिंग भी कर देंगे गले की। तो अस्तर पे गले को मैंने आपको कट करके दिखा दिया। इसका ब्लाउज का मेन फैब्रिक ही ले लिया, इसकी भी गले की सेम कटिंग करेंगे जैसे अस्तर की है। अब दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में आपको रख देना है, फिर इसके गले की स्टिचिंग करके दिखाएंगे। तो अस्तर और फैब्रिक दोनों को साथ में पहले गले में स्टिच कर देंगे। कि मैंने गले की स्टिचिंग कर दी है, इस पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने से जब इसको पलट कर सीधा करेंगे तो गले की डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में आएगी। कि मैंने छोटे छोटे कट पूरे गले पे लगा दिए, इसको पलट कर सीधा कर देंगे। ये सीधा हो चुका है, इसके ऊपर से सिलाई लगाते इसके पूरे फिनिशिंग दे देंगे। इससे डिज़ाइन की जो गले की डिज़ाइन है ये उभर कर दिखने लगेगी। अब साइड साइड से ब्लाउज से सिलाई लगाते हैं, इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग कर देते हैं। तो अस्तर और फैब्रिक को बिल्कुल बराबर रखिएगा और साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों को एक साथ में अटैच कर देंगे। ये देख लीजिए मैंने ऑल राउंड स्टिचिंग ब्लाउज की आपको करके दिखा दी। नीचे की साइड इसके टक्स लगाएंगे, तो बराबर माप लेते हैं, फोल्ड कीजिएगा और सिलाई लगाते हुए एक साइड से पहले टक्स का लगा लेंगे, फिर दूसरी साइड से भी इसी तरीके से माप लेते हुए और टक्स की स्टिचिंग कर देंगे। तो टक्स मैंने दोनों साइड से आपको लगाते हुए दिखाया। नीचे का बॉर्डर बनाएंगे, इसके लिए मैं अलग से पट्टी ज्वाइन करूँगी। तो अस्तर का एक फैब्रिक कट कर दिया, इसको नीचे की साइड बराबर रखिएगा, फिर सिलाई लगाते इसको ब्लाउज के साथ में जॉइंट कर देंगे। ये पूरा पट्टी जॉइंट हो चुकी है, पट्टी को पहले फैलाएंगे, फिर इसके ऊपर से सिलाई लगाते इसकी फिनिशिंग दे देंगे। अब जो मैंने पट्टी आपको स्टिच करती हुई दिखाई, इसको आपको डबल फोल्ड करना है, फिर ब्लाउज के साथ में इसको जॉइंट करके नीचे का बॉर्डर बना देंगे स्टिच करते हुए। तो ब्लाउज को मैंने आपको कम्प्लीटली बनाते हुए दिखा दिया, इस पर आप डिज़ाइन करके दिखाएंगे। तो चलिए ब्लाउज को साइड रखते हैं, आगे का डिज़ाइन आपको दिखाएंगे। तो मैंने देखिए डिज़ाइन बनाने के लिए कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट किए हैं, दो फैब्रिक है। अब दोनों की मैं साइज दिखा देती हूँ। इसकी मैंने जो लंबाई चौड़ाई रखी है वो 3 इंच के बराबर में रखी है, और इसकी जो रखी है 2.5 इंच के बराबर में रखी है। आपको क्या करना है, इसको बस डबल फोल्ड करना है। ये वाली डिज़ाइन को आपको 4 पार्ट में फोल्ड कर देना, फिर इसके बीच से आपको रखना है दोनों कॉर्नर्स को फोल्ड करते हुए, फिर बराबर में यहाँ सिलाई लगाते हुए स्टिच कर देंगे। तो समझ में आ रहा होगा मैं डिज़ाइन कैसे बनाई। इसी तरीके से आपको इसके पूरे डिज़ाइन बनाने, जितने भी ब्लाउज में यूज करने हैं सारे डिज़ाइनों को ऐसे ही पूरा बना लीजिएगा। तो ये डिज़ाइन में कैसे बना रहे हो आपको समझ में आ रहा होगा, इसी तरीके से आपको पूरे डिज़ाइन बनाने हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये डिज़ाइन बना के दिखाए हैं, ऐसे मैंने पूरा कम्प्लीटली डिज़ाइन जितने मुझे ब्लाउज में यूज़ करने हैं सबको बना दिया है। इनके थ्रेड को कटिंग करते हुए सारे डिज़ाइनों को अलग कर देंगे और इनको साइड रखेंगे डिज़ाइन को।
और मैंने देखिए न्यूज़पेपर लिया, इसको डबल फोल्ड करके रखना है आपको। फिर इसके ऊपर ब्लाउज को भी इसी तरीके से डबल फोल्ड करके बिल्कुल बराबर रख देना है। और जिस तरीके से इसका गला है ब्लाउज का, इसी तरीके से आपको गले पूरा मार्किंग पहले कर देनी है। तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से गले पे। तो मैंने देखिए लाइन ड्रॉ कर दी है 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। फिर मार्किंग करेंगे, जो मार्क से है उसी मार्क से आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हो, मार्किंग कर लीजिएगा। आप जो मार्किंग एक्स्ट्रा वाली पहले उसको कट कर देंगे, और फिर जो मैंने गले के हिसाब से मार्क की है उसको भी कट कर देंगे। ये देख लीजिए मैंने पूरा कटिंग इसकी कर दी है। अब इसको बराबर में फैला देंगे और जो डिज़ाइन मैंने बनाई है डिज़ाइनों को ले लेंगे। अब डिज़ाइनों को मैं न्यूज़पेपर के साथ में अटैच करूँगी, तो क्लियर वीडियो में देखिए आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से इक्वली बिल्कुल बराबर रखना, गैपिंग नहीं रखनी बीच में, और डिज़ाइनों को बराबर रखते हुए पूरा एंड तक स्टिच कर देंगे ऐसे ही। तो मैंने देखिए पूरे डिज़ाइन जितने भी इसमें मुझे स्टिच करना था कम्प्लीटली स्टिच कर दिया है। अब जो इसके बीच का डिज़ाइन है इसको कटिंग करके, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है डिज़ाइन की इसको कटिंग करके निकाल दीजिएगा। मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दिया और डिज़ाइन को साइड रखेंगे। अब मैंने ये वाली डिज़ाइन ले ली है, इसको साइड रखते हुए मैंने देखिए ब्लाउज लिया है, ब्लाउज गले बिल्कुल बराबर डिज़ाइनों को आप रख दीजिएगा। और इसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए ब्लाउज के साथ में डिज़ाइन को अच्छे से स्टिच कर देंगे। तो कम्प्लीटली ब्लाउज और डिज़ाइन को दोनों को साथ में अटैच कर दिया, न्यूज़पेपर को पूरा रिमूव कर देंगे। अब जो ब्लाउज इसकी डेकोरेशन करनी है आपको, तो गले पे लेस अटैच करेंगे। तो मैंने ये लेस ले ली है, लेस को बिल्कुल बराबर रखेंगे, डिज़ाइन के ऊपर से अटैच करनी है आपको। जहाँ सिलाई लगाते हो डिज़ाइन को स्टिच किया है, सेम उसी जगह सिलाई लगाते हो लेस को भी स्टिच कर दीजिएगा। जी देखिए मैंने कम्प्लीटली पूरे गले पे लेस को भी अच्छे से स्टिच कर दिया है। अब जितनी डिज़ाइन बनी है सभी की डेकोरेशन करेंगे, उसके लिए मैंने ये मोती ले ली है। जितनी भी डिज़ाइन है सबके ऊपर से एक एक मोती आपको लगानी है ऐसे ही, पूरा एंड तक जितनी डिज़ाइन बनी है सबके ऊपर मोतियों को टक कर दीजिएगा, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ लगाते हुए। तो मैंने देखिए कम्प्लीटली पूरी डिज़ाइन की डेकोरेशन कर दी है, मेरी ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीट है। अगर डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो मेरी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे ऐसी वीडियोस की अपडेट पाने के लिए, जो ब्यूटीफुल सिंपल हो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन से, जैसे सुंदर हो और ईजी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।